नमस्कार, स्वागत है आपका खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर रायपुर से आ रही है। गोंडवाना समाज के सम्मेलन में शामिल होंगे सीएम। भानु प्रतापपुर में गोंडवाना समाज का वार्षिक सम्मेलन, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सम्मेलन में होंगे शामिल। 14.47 करोड़ रुपये के विकास कार्यों की देंगे सौगात। दोपहर 3:30 बजे रायपुर वापस लौटेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। रायपुर से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। दोपहर 3:30 बजे रायपुर वापस लौटेंगे सीएम भूपेश बघेल। गोंडवाना समाज के कार्यक्रम में होंगे शामिल। भानु प्रतापपुर में आज गोंडवाना समाज का वार्षिक सम्मेलन हो रहा है। रायपुर से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। गोंडवाना समाज के सम्मेलन में शामिल होंगे सीएम। भानु प्रतापपुर में गोंडवाना समाज का वार्षिक सम्मेलन, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सम्मेलन में होंगे शामिल। 14.47 करोड़ रुपए की विकास कार्यों की देंगे सौगात। दोपहर 3:30 बजे रायपुर लौटेंगे वापस मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। आज भानु प्रतापपुर में गोंडवाना समाज के वार्षिक सम्मेलन में शामिल होंगे और इस दौरान मुख्यमंत्री वहां पर विकास कार्यों की सौगात भी देंगे। और दोपहर 3:30 बजे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायपुर वापस लौटेंगे। वहीं खबर बालाघाट से है, जहां प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जिला कांग्रेस कमेटी में बैहर विधायक संजय उइके को जिलाध्यक्ष, कांग्रेस कमेटी पूर्व सांसद एवं जिलाध्यक्ष विश्वेश्वर भगत को प्रदेश कांग्रेस कमेटी उपाध्यक्ष और पुष्पा एवं हिराशन उइके को महासचिव पद की जिम्मेदारी सौंपी है। 31 जनवरी को स्थानीय नूतन कला निकेतन सभागार में कांग्रेस कमेटी के नव नियुक्त पदाधिकारियों का अभिनंदन एवं स्वागत समारोह हुआ और स्वागत समारोह संपन्न हुआ। इस दौरान कार्यक्रम में कांग्रेस के तीनों विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष सम्राट सरस्वार, जिला पंचायत उपाध्यक्ष, कांग्रेस के जिला पंचायत सदस्य, जनपद सदस्य समेत समस्त कांग्रेस कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी शामिल हुए। इस दौरान नवनियुक्त कांग्रेस जिलाध्यक्ष संजय उइके ने कहा कि यह पद जो मुझे मिला है वो कांटों से भरा ताज है, क्योंकि विधानसभा चुनाव करीब है और हमें जिले की 6 विधानसभाओं में जीत हासिल करनी है। आप सबको पता है मुझे जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष का प्रभार दिया गया है, का दायित्व दिया गया है और मेरा प्रयास होगा कि जिला कांग्रेस कमेटी ऐसे समय मुझे प्रभार दिया गया है जब बहुत करीब समय चुनाव का है, लेकिन मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं जिला अध्यक्ष के पद पर न्याय कर सकूं और हमारे जितने भी जिले के वरिष्ठ नेता हैं, हमारी बहन मीरा कावरे जी, हमारे मधु भैया जी, इनके सहयोग से हमारे वरिष्ठ सारे जी और सम्मानी भगत जी, हमारी पुष्पा बिसेन जी, हमारे जितने भी सम्मानी वरिष्ठ हैं, सम्मानी साथी हैं, उन सबके सहयोग से मेरा पूरा प्रयास होगा कि जिला कांग्रेस कमेटी का जो अध्यक्ष पद है उसके साथ मैं न्याय कर सकूं और ज्यादा से ज्यादा बेहतर ढंग से काम करने का प्रयास करूंगा। बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर रायपुर से आ रही है, अल्पसंख्यक मोर्चा की बैठक, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह हुए शामिल। एक हाथ में कुरान, दूसरे हाथ में कंप्यूटर की कल्पना, अल्पसंख्यक समाज के लिए पीएम मोदी ने की है कल्पना। बीजेपी की रीति नीति को अल्पसंख्यक लोगों तक पहुंचाया जाएगा। सीएम बघेल को आंकड़े का ज्ञान कम है, दुनिया में जीडीपी पर भारत नंबर 1 आ गया है। अल्पसंख्यक समाज के लिए मोदी ने किया कल्पना, सीएम बघेल को आंकड़े का ज्ञान कम है, यह कहना है पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का। मैं भी इस वर्ष के राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक कल से यहाँ पे चल रही है और हमारे राष्ट्रीय प्रभारी और राष्ट्रीय महामंत्री और अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रभारी डी पुरंदेश्वरी जी के मार्गदर्शन में 2 दिन से बैठक चल रही है और ये निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण समय में बैठक हो रही है जब पूरे देश में बजट की चर्चा है और एक
राष्ट्रीय स्तर में मोदी जी की सोच और कल्पना को साकार धरातल पे कैसे हो सकता है, समाज के सभी वर्गों को किस प्रकार साथ लेके चल सकते हैं, ये बजट में स्पष्ट दिख रहा है। और मोदी जी की एक एक योजना, हमें आज समाज की बैठक में भी इस बात को चिन्हांकित किया, हर योजना गरीब लोगों को चिन्हांकित करके समाज के सबसे गरीब व्यक्ति अंत्योदय की कल्पना जो दीनदयाल उपाध्याय जी ने देखा था, उसका क्रियान्वयन करने की ताकत यदि किसी में है। बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा की प्रभारी गुंडेश्वरी का बयान, मोदी सरकार की ओर से बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, अल्पसंख्यकों को योजनाओं का सीधा लाभ मिल रहा है, अल्पसंख्यकों को योजनाओं का सीधा लाभ मिल रहा है, यह कहना है बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा की प्रभारी दीप पुरंदेश्वरी का। मोदी सरकार की ओर से बहुत सारी योजनाएं अल्पसंख्यकों के लिए चलाई जा रही हैं, मोदी सरकार की ओर से कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, अल्पसंख्यकों को मिल रहा योजनाओं का सीधा लाभ। अल्पसंख्यकों को योजनाओं का सीधा लाभ मिल रहा है, यह कहना है बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा की प्रभारी डी पुरंदेश्वरी का। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा की प्रभारी डी पुरंदेश्वरी का बयान सामने आया है, बीजेपी सरकार ने अल्पसंख्यकों के लिए कई योजनाएं चलाई हैं और इन योजनाओं का सीधा लाभ मिल रहा है अल्पसंख्यकों को। नहीं, जैसे माइनॉरिटी मोर्चा, इसलिए तो उसकी शुरुआत की गई है कि माइनॉरिटी को हम मुख्यधारा में कैसे लेके आए, और उनके लिए बहुत सारे योजनाएं हमारे एनडीए सरकार ने उनके लिए आगे लेके आई, तो इन सभी योजनाओं के बारे में चर्चा होगी। आज दिन भर की बैठक है और इन सभी योजनाओं को किस तरह हम लोगों तक लेके जाए, माइनॉरिटी जो हमारे कम्युनिटीज के भाई बहन है उन तक कैसे लेके जाए, इन सभी विषयों पर आज पूरा दिन चर्चा होगा और उसके बाद एक कार्याचरण तय किया जाएगा कि इसके तहत। दुर्ग जिले में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि पुलिस मुस्कान अभियान चला रही है, जिसके तहत थाना प्रभारी सोमेश बघेल के निर्देश पर ग्राम बिरजापुर के आरोपी खेलेंद्र वारले को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। खेलेंद्र बागले निवासी बिरजापुर के द्वारा नाबालिग पीड़िता के साथ 26 तारीख व 30 तारीख जनवरी को उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया गया, जिस पर आरोपी के विरुद्ध धारा 376 धारावी और पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध पंजीकरण कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेजा। बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर रायपुर से आ रही है, 6 आईएएस के पदोन्नति के आदेश जारी, 2007 बैच के हैं अधिकारी, प्रमोशन के बाद अधिकारी बने सचिव। शम्मी आबिदी, हिम शिखर गुप्ता, मोहम्मद कैसर हक, यशवंत कुमार बसव राजू का प्रमोशन। रायपुर से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, प्रमोशन के बाद अधिकारी बने सचिव, शम्मी आबिदी, हिम शिखर गुप्ता, मोहम्मद कैसर हक, यशवंत कुमार बसव राजू का प्रमोशन हुआ है और इन्हें अब सचिव बना दिया गया है। 2007 बैच के ये अधिकारी हैं, आईएएस अधिकारी, जिन्हें प्रमोट करके अब सेक्रेटरी बना दिया गया है। 6 आईएएस के प्रमोशन के ऑर्डर जारी हुए हैं और 2007 बैच के इन अधिकारियों को प्रमोट करके अब सचिव बना दिया गया है। प्रमोशन के बाद अधिकारी अब सचिव बन गए हैं। 6 आईएएस अधिकारियों के प्रमोशन हुए, उन्हें पदोन्नति मिली है और जिसके बाद वो अब सेक्रेटरी बन गए हैं। वहीं तंत्र मंत्र साधना में सिद्धि प्राप्त करने के आरोप में अपने ही गुरु की हत्या कर दी है। मामला मगरलोड का है, जहां बीती रात विकास खंड ग्राम बुडेनी नवागांव के शमशान घाट के पास पूजा पाठ करने और सिद्धि प्राप्त करने
पेंटर बसंत साहू और रौनक छाबड़ा एनिकट के नजदीक पहुंचे। दोनों के बीच में पूजा पाठ करने की बात को लेकर झगड़ा हुआ। फिर रौनक ने सिद्धि प्राप्त करने के उद्देश्य से अपने ही गुरु की हत्या कर दी। वहीं साक्ष्य छुपाने के उद्देश्य से उसने बसंत साहू के ऊपर मिट्टी तेल छिड़क कर जलाने का भी प्रयास किया। खबर बेमेतरा से है, जहां लव जिहाद का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि हिंदू युवती को नशीला पदार्थ खिलाकर मुस्लिम युवक ने हिंदू धर्म के साहू युवती को ले भागा। वहीं परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट सिटी कोतवाली में दर्ज कराया था। बेमेतरा की खबर है, जहां पर एक मुस्लिम बेमेतरा की खबर है जहां पर एक शादीशुदा मुस्लिम युवक ने एक हिंदू युवती को अपने प्रेम जाल में फंसाया और उसके बाद उससे शादी किया और अब पूरा मामला लव जिहाद का सामने आया है। युवती को प्रेम के जाल में मुस्लिम युवक ने फंसाया था और जिसके बाद उसने उससे शादी की है। यहाँ के शासन को प्रशासन को यहाँ पे ज्ञापन सौंपा है। अभी कुछ समय पहले हमें जानकारी मिली कि लव जिहाद का एक मामला सामने आया है। ये बहुत ही खराब विषय है। आज एक हिंदू बच्ची को मुसलमान के द्वारा बरगला कर फुसला कर उससे शादी करना और उसके बाद उसकी मानसिक स्थिति पूरी तरह से चरमरा कर छोड़ देना, ये अच्छी बात नहीं है। और जिस तरह से आज हमारे मुस्लिमों ने यहाँ छत्तीसगढ़ में रह के हमारे हिंदुओं के साथ जो कृत्य करना शुरू किया है, इसका परिणाम भयंकर होगा और ये अच्छा नहीं होगा। हम लोग एक ज्ञापन देने आए थे, हमारे हिंदू समाज की उस लड़की को मुस्लिम समाज का लड़का बहला फुसला कर ले गया था और उसके परिवार के द्वारा हम सबको एक धमकी दिया जा रहा है कि हम मुस्लिम समाज के लड़के आपके घर की बहू बेटियों को जैसे भी कहीं पर भी ले जा सकते हैं, इस टाइप का नहीं होना चाहिए करके हम लोग ज्ञापन सौंपने आए हैं कलेक्टर एसपी सर को। आज साहू समाज के लड़की को मुसलमान समाज के शक्ति घाट वाले बला फुसला के बोला शादी कर ले है, ऐसे टाइप की एक बात आती है, लेकिन कोई प्रमाण पत्र नहीं है। और थाना में सूचना दे गई, थाना वाले मन हाँ 24 घंटा तक मतलब रखी छोड़ दे है और लड़की के दिमाग की हालत ने कमजोर कर दे। साहू समाज के प्रतिनिधि लोग आज यहाँ उपस्थित होकर ज्ञापन दिए हैं। एक गुमशुदा इंसान एक महिला का दर्ज कराए थे, उसको पुलिस ने बरामद किया है, उसे लेकर के उन्होंने ज्ञापन दिया है और प्रशासन और पुलिस प्रशासन इस पर नजर रखे हुए और प्रशासन इस पर कार्रवाई करेगी। करो अपना लड़की को, तू नहीं करो, जैसे मोर लड़की लेकर है बोलती चालती, जैसे मोर देन भाई साथ में हाथ में। वहीं भिलाई थाना क्षेत्र में एक युवक ने कॉलेज छात्रा पर जानलेवा हमला कर दिया। घायल छात्रा को भिलाई 3 के सनशाइन हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने फरार आरोपी करण देवांगन को गिरफ्तार कर लिया है। छावनी एसीपी प्रभात कुमार ने बताया कि खूबचंद बघेल शासकीय कॉलेज की छात्रा जब कॉलेज से शिवपुरी जामुल अपने घर जा रही थी, तभी करीब 3:30 बजे घर जाने के लिए शिवपुरी रोड के पास आरोपी करण देवांगन द्वारा छात्रा का रास्ता रोककर उसे लोहे के जैक रॉड से उस पर प्राणघातक हमला कर दिया गया। गंभीर रूप में आहत छात्रा को तत्काल हॉस्पिटल भिलाई 3 में भर्ती कराया गया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पूर्व में मेरा कुछ काम था नगर पालिका से रिलेटेड, तो मैं करीब नगर पालिका से 3:30 बजे यहाँ से निकला रायपुर के लिए। वही करीब 10-5 मिनट के अंदर मैं अक्लोर चौक पर जैसी क्रॉस कर रहा था, देखा कि वहाँ भीड़ लगी है, बहुत सारे लोग हैं,
और कुछ होने की अंदेशा लगा तो मैं गाड़ी देख के रोका देख के, और जैसे ही वहाँ पास गया तो एक लड़की बड़ी खून से लथपथ थी और बहुत क्रिटिकल कंडीशन था उसका, पूरे खून से सना हुआ, एक रॉड पड़ा हुआ था बाजू में। मैं पूछा लोगों से कहाँ क्या हुआ, क्या हुआ, कैसा हुआ, तो बताया ये शिवपुरी की लड़की ये साइकिल से आ रही थी और इसको कोई गाड़ी वाले आए व्हाइट कलर की गाड़ी में, उन्होंने बात की, बात करने के बाद मारना चालू कर दिया। यहाँ पर कॉलेज से लौटती हुई एक स्कूल कॉलेज की छात्रा के साथ दो लड़कों ने मारपीट किया था। विशेष तौर से उसमें जो मुख्य आरोपी है उसने जो गाड़ी के जैक रॉड से ताबड़तोड़ हमला किया था, जिससे महिला लड़की वहाँ पर घायल हो गई थी। पुलिस तत्काल पहुंची और लड़की को हॉस्पिटलाइज किया गया, अभी लड़की खतरे से बाहर है। और तत्काल एक CSP छावनी के नेतृत्व में टीम बनाकर घेराबंदी लगाया गया, दोनों आरोपियों को देर रात तक गिरफ्तार कर लिया गया है और उनको आज रिमांड पर भेजा गया। वही बुरहानपुर में 3 फरवरी से 9 फरवरी तक रेणुका कृषि उपज मंडी क्षेत्र में शिव महापुराण की कथा का आयोजन है, जिसमें लाखों श्रद्धालु यहां पहुंचेंगे। इस बात का अंदाजा लगाना मुश्किल है कि कथा के एक दिन पहले ही बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंच गए। यहां महिलाएं बच्चे अपने परिजनों के साथ बोरिया बिस्तर लेकर बैठ गए हैं और हजारों वर्ग फीट में फैला पंडाल, प्रसादालय, पार्किंग, धार्मिक वस्तुओं की दुकानें, सुविधा घर इत्यादि की व्यवस्थाओं के साथ ही यहां व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। हमको बहुत पसंद आता है बाबा जी की कथा सुनते ही, बहुत आनंद मिलता है। मतलब आपको कथा सुन श्रवण करने से बहुत आनंद आता है? हाँ, बहुत आनंद आता है। कितने सालों से जुड़े हैं आप? नहीं, अभी एक दो महीने से। उनसे जुड़े हुए? हमारे गांव में जब कथा हुई थी वहाँ हमने पहली कथा सुनी, अब हम दूसरी कथा आ रही है। देखिए, हमारे द्वारा जो व्यवस्था की जा रही है वो तो एक तो पंडाल में सारे लोग सुचारू रूप से बैठे, उसके बाद पानी की व्यवस्था टैक्समो पाइप्स एंड प्रोडक्ट्स लिमिटेड की तरफ से की जा रही है, और इसके अलावा जो हमने अर्थ दिया है यह व्यवस्था है। लेकिन ये बुरहानपुर के लिए ये ऐसा कार्य हो गया ना भूतो ना भविष्यति, ये जो आयोजन है ये आज जो हो रहा है इसमें मैं एक अपील करना चाहूँगा कि बुरहानपुर के सारे लोगों से और आजू बाजू के लोगों से किसमें ज्यादा से ज्यादा शामिल हो। बताएं कि कहाँ से आए आप, क्या कैसे पता चला कि आपको यहाँ प्रदीप मिश्रा जी की कथा हो रही है? पता था, बहुत दिन से पता ही था जी। कहाँ से आए आप? मैं रत्ना महाजन दमन से था। जी जी, बताएं कि कैसे क्या पता चला कि यहाँ बुरहानपुर के अंदर प्रदीप कथा थी मालेगांव की, पता चला आपको? क्या कितने लोगों के आने की संभावना है सर? कम से कम 5-6 लोग आएंगे। यहाँ किस क्या कार्य के लिए आए, यहाँ पर क्या करने आए? ये सुनने के लिए कथा, प्रदीप मिश्रा जी कथा सुनने आए। हाँ। क्या कितने सालों से आप पंडित जी से जुड़े हुए हैं? टीवी पे सुनते भैया। हाँ। मतलब टीवी पे सुनते, आज लाइव देखेंगे उनको? हाँ, टीवी पे बोल रहे हैं। टीवी बताया था। तो क्या लगता है कथा के माध्यम से क्या लोगों में एक भगवान के प्रति मतलब जागरूकता आएगी कि हमें जुड़ना चाहिए? हाँ, हमारा बहुत विश्वास है भगवान के ऊपर, भगवान के ऊपर, बाबा के ऊपर। ऐसा क्या, क्या ये जो प्रदीप मिश्रा जी कथा करते हैं इसमें क्या कितने लोगों आने की संभावना रहती है? 5-6 लाख आते ही है और ज्यादा आएंगे, 10 आएंगे। खबर छुरिया से है, जहां खुज्जी विधानसभा क्षेत्र के वनांचल ग्राम जॉब में सड़क चिरचारी जर्जर मार्ग को लेकर बीजेपी मंडल के ग्रामीणों ने 8 किलोमीटर पदयात्रा कर सभा पश्चात नेशनल हाईवे सड़क चिरचारी में चक्का जाम की। इस पदयात्रा के लिए ग्राम जैत गुंडरा के बुढ़ादेव मंदिर में पूजा अर्चना कर पदयात्रा की संचलन हुई। यात्रा में जैत गुंडरा, खोभा, भर्री टोला समेत क्षेत्र के 12 गांवों के जनप्रतिनिधि और बीजेपी के वरिष्ठ गण शामिल रहे। हमारा जॉब से चिचारी तक इतना गड्ढा गड्ढा है कि हम साइकिल पैदल नहीं चल सकते, ऐसे है वे हमारा रोड़ा। और खोभा से छुरिया तक के रोड खालो इसने छीनी। हमको रोड की तकलीफ है और ये सरकार जब से आए तब से हमार प्रधानमंत्री आवास बंद करवा दी है ना,
रोल बन ही कथे सुकृति करे है ये रोड कब बनी 17 करोड़ के तो घोषणा कर दे है पर वो घोषणा कोई आता पता नहीं है बस आइस और जनता के बीच में जो आइस वो बोल दी और चले गए। वहीं बीजेपी नेताओं ने जेतगुडरा खोवा की सड़क बनाने की मांग को लेकर ग्रामीणों के साथ पदयात्रा शुरू की। पदयात्रा के माध्यम से भाजपा सरकार को घेरने के प्रयास में जुटी हुई है। इस दौरान पदयात्रा में भाजपा पदाधिकारी समेत ग्रामीण शामिल रहे। दंतेवाड़ा जिले के कुम्हार रास में बचेली में नगरनार के लिए लौ ढुलाई के लिए बिछाई जा रही स्लरी पाइपलाइन का विरोध शुरू हो गया है। विरोध कर रहे भूमि प्रभावित ग्रामीणों ने एनएमडीसी और जिला प्रशासन पर आवाज को दबाने का आरोप लगाया है। गौरतलब है कि कुम्हार रास गांव में लगभग 40 परिवार जिनकी जमीन स्लरी पाइपलाइन से प्रभावित हो रही है। ग्रामीणों ने बताया कि 2017 में एनएमडीसी के अधिकारियों ने ग्रामीणों को बुलवाकर किसी रजिस्टर में हस्ताक्षर करवाए थे, साथ ही मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की बात कही थी। इस दौरान जमीन देने की कोई अनुमति हमारे द्वारा देने की सहमति नहीं दी गई थी। इसी का स्लरी पाइपलाइन जा रहा है उसके विरोध में खड़े हैं और हमारा कुछ मांग है और कुछ हमारी आवश्यकताएं हैं जो एनएमडीसी फुलफिल नहीं कर पा रही है। जैसा एनएमडीसी को जो हमारा जमीन ले रहा है तो वो मुआवजा जो दे रहा है वो छठा हिस्सा दे रहा है, 20% ले रहा है और उसका छठा हिस्सा दे रहा है जो बहुत कम होता है। उसके बाद उनकी जो नियम है कि आप किसी प्रकार से कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, किसी प्रकार से कोई वहाँ पे आप निर्माण नहीं कर सकते। मैम जो स्लरी पाइपलाइन जाने वाली है उसका विरोध में हम इकट्ठा हुए हैं। 2017 में क्या है, ग्राम सभा कराई गई थी स्लरी पाइपलाइन के संबंध में, जिसमें वहाँ ग्राम सभा में लोगों को ये कहा गया था कि नौकरी दिया जाएगा, समूह में बोर करवाया जाएगा, इंग्लिश और हिंदी मीडियम स्कूल खुले जाएंगे, इस प्रकार की बातें वहाँ ग्राम सभा में कही गई थी, जिसके लिए एक रजिस्टर जो कि था वो एनएमडीसी के कर्मचारी द्वारा लाया गया था, जिसमें ये सब बातें बताकर ग्रामीणों को सिग्नेचर करवाया गया और ग्राम पंचायत में उसका कोई दस्तावेज छोड़ा नहीं गया। उस दस्तावेज को उनके द्वारा लेके जाया गया। उसके पश्चात क्या है कि पीसीओ के द्वारा लोगों को ग्राम कुम्हारा से बुलाता जा रहा है। एनएमडीसी स्लरी पाइपलाइन ये नगर नाथ तक ले लिया जा रहा है। ग्राम सभा 4/7/2017 को हुआ था, उसमें कुछ कुछ मांगे भी रखे थे, वो मांगे पूरा भी नहीं हो रहा है और दिनों दिन जब लिख के दे रहे हैं, लिख के देने के बावजूद भी प्रशासन के अधिकारी द्वारा एनएमडीसी के साथ मिल के लोगों को गुमराह में रख के दमनकारी योजना चलाया जा रहा है और जो मांगे लिख के दिया गया था। खबर डोंगरगढ़ से है, जहां खैरागढ़ रोड में स्थित लोधी भवन में आधिपत्य के मामले में एक बार फिर से नया मोड़ देखने को मिला है। आपको बता दें कि पिछले दिनों डोंगरगढ़ एसडीएम ने कि जल्दीबाजी में दिए गए आदेश के बाद इस भवन को सर्किल लोधी समाज के सुपुर्द किया गया था। इसके बाद पूर्ववर्ती की लोधी विकास समिति ने पूरे मामले में हाईकोर्ट का रुख कर लिया और आदेश को चुनौती दिया गया, जिसमें माननीय हाईकोर्ट ने पूरे मामले की सुनवाई करते हुए डोंगरगढ़ एसडीएम के आदेश को पलट दिया है और लोधी विकास समिति डोंगरगढ़ के पक्ष में फैसला देते हुए उन्हें लोधी भवन का आधिपत्य सौंपने का आदेश दिया है। कि जो लोधी भवन है खैरागढ़ रोड में उसको वापस कर दिया जाए, उनको के विरुद्ध में जो आदेश दिए थे एसडीएम साहब ने कि इनको उनको दिया जाए करके, तो उन्होंने तो उसके हिसाब से दे दिए थे, मगर उच्च न्यायालय ने उनके आदेश को खारिज कर दिया। तो खारिज करने के कारण हमको वापस करने के लिए हमने एसडीएम साहब को लेके उच्च न्यायालय के आदेश को लेके खबर आज नांदगांव से है, जहां पर भरेगांव में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विशाल किसान अन्नदाता सम्मेलन में भाग लिया। इस दौरान शहर की महापौर हेमा देशमुख ने जीई रोड से भरेगांव तक वाहनों की लंबी कतारों के साथ प्रदेश के मुखिया की अगुवाई की। उनका अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ भव्य स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने ग्राम भरेगांव में स्वर्गीय चंदूलाल चंद्राकर जी की मूर्ति का अनावरण किया, साथ ही जिलेवासियों को 24,31,37,000 रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। गठन और सत्ता में भी रहे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो बड़े पत्रकार थे, सबसे बड़ी बात है वो अच्छी इंसान और छत्तीसगढ़ राज्य बनाने में उनका बड़ा योगदान।
आज उसकी स्मृति में आज किसान सम्मेलन हुआ, पहला धान करने वालों सम्मान भी किया गया, धान खरीदी सोसाइटी बहुत अच्छा काम की उनको भी सम्मानित किया गया और साथ ही साथ 24 करोड़ से अधिक की राशि के भूमि पूजन लोकार्पण और 36 पंचायत मांग किए थे तो उनके सरपंचों के लिए प्रत्येक पंचायत में 5-5 लाख की घोषणा में। राहुल जी, आप 2 साल से मिलेट्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं, उसकी कीमतों के बारे में बोल रहे हैं और केंद्र शासन अभी सोच ली, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी तक केंद्र सरकार ने कोदो कुटकी का समर्थन मूल्य घोषित नहीं किया, सांवा का समर्थन मूल्य घोषित नहीं किया। जबकि छत्तीसगढ़ में हम 1000 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से पिछले साल 52,000 क्विंटल हमने कोदो कुटकी की खरीदी की, रागी की खरीदी की और हमारे मिलेट हो गया है और हमारे चाहे संजीवनी हो चाहे हमारे महिला समूह के द्वारा उसको कुटाई करके बेचने का काम भी हो रहा है। मिलेट से 22 प्रकार की वस्तुएं भी बन रही है। जय किसान, बोलो भारत माता की जय। हे मांझी जी जिंदाबाद, हे मांझी जी जिंदाबाद। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।